नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु के YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने CET का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस CET के नोटिफिकेशन के अंदर आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज संभावित अवेलेबल हैं वो भी बताई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया है कि 22 सितंबर से आपके फॉर्म जो है वो आपकी SSO ID से भरे जाएंगे। साथ ही साथ आपको सिलेबस का आइडिया बताया है कि सिलेबस में क्या होने वाला है। तो सारी चीज राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने मोस्ट अवेटेड जो एग्जाम थी CET की उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। तो आप सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में है कि आप सभी अपनी तैयारी जो है उसमें और ज्यादा चार चांद लगा दें, क्योंकि एग्जाम अगर हम पैटर्न की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा। और जैसा कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा क्वालिटी का पेपर बनाया है। हम सोचते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम में थोड़ा सा पेपर का लेवल नीचे आता है, लेकिन RPSC के बराबर की टक्कर का पेपर बनाती है राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। तो जो अलग अलग एग्जाम है, वैकेंसीज है, जिसमें पटवारी की भी एग्जाम होगी, जिसमें महिला सुपरवाइजर की भी एग्जाम होगी, हॉस्टल वार्डन की भी एग्जाम होगी, प्लाटून कमिश्नर की भी एग्जाम, प्लाटून कमांडर की भी एग्जाम होगी, और साथ ही साथ जूनियर अकाउंटेंट की सबसे बड़ी भर्ती 1923 पदों पर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होने जा रही है। जो कि संभावित है उनमें नीचे लिखा हुआ भी है कि पदों की संख्या जो है वो इधर उधर हो सकती है, बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सूचना आप अभ्यर्थियों के लिए कि 22 सितंबर से आपकी SSO ID से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, समान पात्रता परीक्षा CET के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के साथ साथ ही आपको उस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि आपकी फोटो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, साइन कैसे होनी चाहिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है कि बच्चा फॉर्म भर देता है उसके बाद में उसके दिमाग में आता है सिलेबस का खाका, कि सिलेबस काफी बड़ा है। जैसे आज भी काफी लोग एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे थे इस मुद्दे पर कि सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सिलेबस बड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही चीज डाली है जो कि सामान्य है। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी डाल दी, पॉलिटी डाली है, लेकिन पॉलिटी के अंदर उन्होंने कहा कि राजस्थान के स्पेशल फोकस पे पॉलिटी पढ़नी है, लेकिन उन्होंने संसदीय कार्य प्रणाली वगैरह, लोकसभा, राज्यसभा सभी उन्होंने डाल दिया, वो चीज ठीक है। इकोनॉमिक्स डाल दी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक डाला, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सभी चीजें डाली हैं। लेकिन ये सभी चीजें आप बच्चों की पहले भी पढ़ी हुई हैं, आप छोटी छोटी चीजें, क्योंकि अगर ये बातें हम करें आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो उन बच्चों के लिए ये चीजें काफी कठिन होती थी, लेकिन आज का बच्चा है हर चीज में एक्सपर्ट है, वो साइंस और मैथ्स भी पढ़ रहा है, रीजनिंग भी पढ़ रहा है, तो सभी चीजें, छोटी छोटी चीजें सभी डाली गई है, और वो आपको बेसिक जानकारी ही जुटानी है। तो सबसे जरूरी है कि आप निश्चित टाइम टेबल बनाए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन से आपको एग्जाम का टाइम टेबल भी मिला है, 6 जनवरी 2023 से लेकर के 9 जनवरी 2023 के बीच में इनकी एग्जाम होंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक से ज्यादा दिन तक एग्जाम होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इतना सारा स्पष्ट लिखा हुआ उस नोटिफिकेशन में कि आप बच्चों को सिर्फ एक काम करना है, फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के साथ साथ एक निश्चित टाइम टेबल से, निश्चित पाठ्यक्रम से आपको अपनी तैयारी जो है उसको शुरू करना है। क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वो भी राजस्थान के पर्सपेक्टिव में, उसके साथ साथ इंडियन पर्सपेक्टिव में भी पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है, होने को तो 8-9 सब्जेक्ट हो गए, लेकिन इतनी बड़ी एग्जाम में इतना वाइड मार्जिन आता है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चा जो है रियल टैलेंट होगा वही पास होगा। जिस बच्चे को इन सभी सब्जेक्ट की हल्की फुल्की थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, वो बच्चा आराम से इस एग्जाम में पास हो जाएगा। और ये तो संभावित पदों की संख्या है, अभी इन पदों के अंदर घटना तो संभावित नहीं है, लेकिन बढ़ोतरी जो है वो निश्चित होगी, क्योंकि अभी एक सभी डिपार्टमेंट से एक खाका तैयार करवाया गया है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितने संभावित पद खाली है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि आगामी साल 2023 के अंदर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, और उन चुनावों से पहले CET बहुत बड़ी परीक्षा होगी। जैसे अभी पिछले दिनों रीट की परीक्षा थी, उसी प्रकार से CET बहुत बड़ी परीक्षा है राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लिए। और इस एग्जाम में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अपनी पूरी तैयारी के साथ, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगा, वो पूरी तैयारी के साथ आप बच्चों के लिए एक सिलेबस लेकर के आया है, पैटर्न लेकर के आया है, तो उसी पैटर्न से एक बढ़िया क्वालिटी का पेपर भी कंडक्ट करवाएगा। तो इस क्वालिटी के पेपर के लिए आप सभी बच्चों को तो एक ही मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप एक निश्चित टाइम टेबल से, निश्चित पाठ्यक्रम के हिसाब से, आपका जो लगता है कि मेरा ये पोर्शन वीक है उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे काफी बच्चे कह देते हैं
कि मेरा मैथ्स वीक है, मेरा रीजनिंग वीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। छोड़ दोगे तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि संख्या हजारों में है, पदों की संख्या तो हजारों में है, लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है। तो उस बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से अगर हम समझे तो आपको किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं है, सभी पोर्शन की निश्चित तैयारी करवानी है। तो निश्चित तैयारी आपको करनी है, और सबसे जरूरी आपको अभी नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना कि हम नोट्स बना के पढ़े, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप खुद नोट्स बनाएं। आपको चाहिए कि अच्छी जगह से आप पढ़ें, अच्छे YouTube चैनल्स अवेलेबल है चाणक्य गुरु का आपके सामने, और आप इस पर रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। हमारी जीके क्लासेस चल रही है, हमारी रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस चल रही है, हिंदी और इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस चल रही है, साइंस और टैग की क्लासेस शुरू करवा दी जाएंगी, करंट अफेयर्स की क्लासेस बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो सभी क्लासेस जो हैं वो आप बच्चों की तैयारी के लिए चाणक्य गुरु आपके साथ खड़ा है। तो आप सभी अपनी इस तैयारी में जुटे, लगातार प्रयास करें, और ये मौका जो है वो गंवाए नहीं, क्योंकि मौका बहुत बड़ा है। बहुत अवेटेड एग्जाम है समान पात्रता परीक्षा सीईटी की, क्योंकि ये परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इतने जो पद 7 डिपार्टमेंट बताए गए हैं, इन 7 डिपार्टमेंट के अलावा भी होने वाली है। इनमें मैं आपको अभी कह रहा हूं, सुनिश्चित कर रहा हूं कि इनमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, निश्चित होगी। ऐसा ना समझे कि 2500-3000 पद हैं, बहुत कम पद हैं। मैं कह रहा हूं कि ये पदों की संख्या बहुत आगे जाएगी, अभी तो शुरुआत है। तो आप अपनी तैयारी जो है उसको और ज्यादा तेज कीजिए, और ज्यादा उसमें निखार लाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत बड़ा है, और तैयारी जो है उसके लिए तैयारी भी बहुत बड़ी चाहिए। तो आप सभी बच्चों को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं इस नोटिफिकेशन के साथ, तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।